ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। एक रुद्राक्ष लेना है, छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर आपके यहाँ व्यापार आपका नहीं चल रहा, आपकी जॉब नहीं लग रही या फिर आपकी कोई भी ऐसी कामना है वो ज़रूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक रुद्राक्ष का सारा कमाल होगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। देखो, आपको कितने मुखी रुद्राक्ष की जरूरत है, सबसे पहले तो आप ये समझो। आपको जरूरत होगी तीन मुखी रुद्राक्ष की, ठीक है। तीन मुखी रुद्राक्ष चाहिए। कहोगे भैया पहचाने कैसे कि ये तीन मुखी रुद्राक्ष है कि दो मुखी रुद्राक्ष? देखो, कोशिश करना। देखो, जैसे यहां पर बीच में क्या दिख रहा है, एक होल सा दिख रहा है जहां से आप धागा डालते हो। इस होल को देखना और इससे कितनी लाइन जा रही है, जैसे कटा भाग कितना है। जैसे ये एक हो गया, यहां पर देखो ये दो दिख रहा है आपको, ये हो गया तीसरा। इसके अलावा कोई भी आपको कटा भाग नहीं दिख रहा होगा जो कि उस गोले से होकर के जाता हो। यही पहचान होती है एक, दो और तीन मुखी रुद्राक्ष ये है, ठीक है। तीन मुखी रुद्राक्ष लेना और साथ ही साथ इस तरीके से आपको ज़रूरत होगी पीले चंदन की। कहोगे भैया पीला चंदन हम पाउडर वाला ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप पाउडर वाला ले सकते हो। आप समझना यहीं पे, ये जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया ना तीन मुखी का, इसी रुद्राक्ष पर अच्छे तरीके से उस पीले चंदन को आप लपेट देना। इस तरीके से आपको इस पीले चंदन को लपेटना है कि जो रुद्राक्ष का भाग होना वो कहीं से आपको दिखाई ना दे, कहीं से भी वो भाग आपको दिखाई ना दे रुद्राक्ष का। इतने अच्छे तरीके से उस पीले चंदन को आपको लपेटना है। मैं तो यहाँ पर लाल लाल कर रहा हूँ तो आपको, लेकिन पीले चंदन से अच्छे तरीके से इस रुद्राक्ष को आपको लपेटना, तो कहीं से नहीं दिख रहा ना, इसी तरीके से आपको भी लपेट देना है कि रुद्राक्ष कहीं दिखाई ना दे। उसके बाद इस रुद्राक्ष को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना, मासिक के पास पहुंचना है, प्रदोष काल में जाना, ठीक है। अगर प्रदोष काल में आप ना जा पाओ तो आप सुबह भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना फेस उत्तर की तरफ करना है और जो एक आपने रुद्राक्ष लिया है उस पर पीला चंदन अच्छे तरीके से लगाया है आपने, उस रुद्राक्ष को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको रख देना है, ठीक है। रख दिया और उसके बाद उसी रुद्राक्ष के ऊपर आपको अपनी कामना कहते हुए महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, आप अपनी कामना कहते हुए उसी रुद्राक्ष के ऊपर जल को धीरे धीरे करके गिराते जाना है। जब उस जल को आप धीरे धीरे गिरा रहे हो तो उसी टाइम आपको अपनी कामना महादेव से कह देनी है। जब आप उस रुद्राक्ष पर पानी गिराओगे, जल को चढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो पीला चंदन है महादेव के पूरे शिवलिंग के ऊपर उनका श्रृंगार हो जाएगा। जब श्रृंगार होगा तो महादेव बहुत खुश होंगे और आपकी जो भी कामना है बहुत जल्दी पूरी होगी। कहोगे भैया क्या उस रुद्राक्ष को वहीं पर छोड़ा है या फिर ले सकते हैं? देखो, ये तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा हो तो छोड़ देना या फिर आपकी इच्छा हो तो लेके चले आओ और ला करके अपने घर में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपके ऊपर, क्योंकि गुरुजी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप कर लेना, ठीक है। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।